हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो फारसी एजुकेशन हब बांसुर बेटा। वेलकम, लेट्स कंटिन्यू क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। सो बिफोर दैट वी वर डिस्कस अबाउट द वर्टिब्रेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ओके, एज द नेम सजेस्ट साइक्लोस्टोमेटा, इट मीन्स सर्क्यूलर ओपनिंग। ओके, साइक्लो मीन्स सर्क्यूलर एंड स्टोमेटा मीन्स ओपनिंग, या आप कह सकते हैं कि इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर और सकिंग टाइप माउथ होता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, देखिए पहली बात तो एक्टो पैरासाइट है ऑन फीसेस, मैरीन लाइफ है, यानी यहाँ पे सी में ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और फीसेस की फॉर्म में ही होती है। सो एक्टो पैरासाइट है, यानी किसी भी बड़ी जो फीसेस होती है उनसे अपना फूड ये ऑब्टेन करती है। ओके, सकिंग एंड सर्क्यूलर टाइप माउथ, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्टिब्रेटा का दो डिवीजन है, एगेंथा उसका एक पार्ट है, उसी में आता है साइक्लोस्टोमेटा क्लास, और इसका मतलब है दे हैविंग सकिंग टाइप ऑफ माउथ, यानी इनमें जो जार्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओके, दे आर लैकिंग जार्स, लैकिंग जार, यानी जा नहीं होता, जा प्रेजेंट नहीं होता, तो इनमें जो माउथ होता है वो सर्कुलर और सकिंग टाइप होता है। तो इससे आपको क्लियरली पता लग रहा है साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स ओपनिंग, और माउथ यानी जो माउथ है वो सर्कुलर और सकिंग टाइप होता है, जाज एब्सेंट होते हैं। ओके, सकिंग एंड सर्कुलर टाइप माउथ होता है, इनमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, जो रेस्पिरेशन का काम होता है वो गिल स्लिट्स ही करते हैं। ओके, और वो रेस्पिरेशन के लिए इसमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। डिवॉइड ऑफ स्केल्स, यानी जो बॉडी होती है देखिए उस पर किसी भी टाइप के स्केल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप के स्केल्स नहीं मिलते हैं, अंडरस्टैंड, इस टाइप के स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं बॉडी पे। ओके, एंड पेयर्ड फिन्स, यानी जो फिन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं 2, 4 वट एवर, बट वो पेयर्ड होते हैं। इसके बाद इसका जो क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजियस। देखिए दो टाइप के हो सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जो आगे हम पाइसिस की क्लासेस पढ़ेंगे गैंथोस्टोमेटा में, तो उसमें पाइसिस में हमने पढ़ा था कॉन्ड्रोसिट्स एंड ऑस्टियोसिट्स, यानी जो इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ या तो बोन्स का हो सकता है, कार्टिलेज का, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग है तो ये किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, क्रैनियम। ओके, और जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड टाइप होता है, यानी यहीं से वेसल्स की फॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप होता है, यानी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, इन्हें सिस्टमेटिक ऑर्डर। ओके, उसके बाद देखिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनको स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाना होता है, यानी ये यहाँ से मूव कर जाते हैं फ्रेश वाटर में, और वहां पे जो भी इनको एग रिलीज करना होता है, स्पॉनिंग करनी है, तो वो ये फ्रेश वाटर में करेंगे, लेकिन जैसे ही ये स्पॉनिंग करते हैं उसके कुछ टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, स्पॉनिंग के बाद फ्रेश वाटर में जाते हैं, स्पॉनिंग के बाद क्या होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, और जो लार्वल फॉर्म है इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और उसके बाद वो वापस कहाँ मूव कर जाता है, मरीन वाटर में मूव कर जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो साइक्लोस्टोमेटासाइट का आपको क्लियर हो गया, नाम ही क्लियर कर रहा है कि सर्कुलर ओपनिंग होती है, यानी जो माउथ है वो सर्कुलर और सकिंग टाइप होता है, बिकॉज ये एगेंथा एक डिविजन का पार्ट है, तो इसमें जार्स एब्सेंट होते हैं, ये एक्टो पैरासाइट होते हैं फीसेस पे, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होती है रेस्पिरेशन के लिए, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज का बना होता है। ओके, और वैसे ये मैरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं, बट इनको स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाना होता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस मैरीन वाटर में आ जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? सो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब ऑल्सो, गुड बाय।